वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? एंड मेरी तबीयत एक हफ्ते से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तभी कुछ मतलब अपडेट नहीं कर पाई आप लोगों को, ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे। मतलब मैं ऐसी ऑफ ऑफ सी थी, मतलब कुछ मन ही नहीं कर रहा था ना वीडियो का बनाने का ना इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने अब आज अपने आप को थोड़ा बूस्टअप किया है कि नहीं कोमल, उठ 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 और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर, तभी कुछ होगा। तो आज मैं उठी हूँ और थोड़ा बूस्टअप इसलिए आया है क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने उसकी बर्थडे पार्टी में भी जाना है। उसने बर्थडे पार्टी अरेंज किया तो मैं वहां पे भी जाऊंगी। तो आओ मैं आपके साथ वही तैयार वैयार होने वाला है, थोड़ा सीन शेयर करूंगी। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, ऐसे जज मत करना कि लॉकडाउन में पार्टी करने जा रही है कि ऐसे कैसे, यही थोड़ी ना होता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब पता लग जाएगा। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी बर्थडे पार्टी पे जाना तो बनता ही बनता है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो के बाद टारगेट रखते हैं कि 1,15,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, सिमरनजीत कौर _03 मेरी आईडी का नेम है। तो अभी 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 फॉलो कर लो एंड अभी 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 सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। और हाँ, उसकी इंडियन थीम है उसकी पार्टी की, तो मैं आज कुछ इंडियन वियर करूंगी। लाइक आपसे शेयर करती हूँ कि ड्रेसेस, ड्रेस कौन सी पहनूंगी, ड्रेसेस नहीं ड्रेस ही पहनूंगी एक तो। और कन्नाचे की पावांगी, तैयार होंगी एंड मिलते हैं। और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी, लॉन्ग है ये ड्रेस पूरी और इसके ऊपर ये श्रग सा है, पूरा लाइक राजस्थानी टाइप वाला लग रहा है। और इसके साथ मैं इयररिंग्स ये वाले पहनूंगी। वैसे तो मैं इसके साथ बंजारा इयररिंग्स भी पहन सकती हूँ, लाइक वो वाले जो होते हैं ना सिल्वर सिल्वर टाइप वाले, वो वाले ही पहन सकती हूँ। बट देखती हूँ अगर ये सूट किए तो मैं ये पहन लूंगी, वरना मैं वो वाले दूसरे वाले पहन लूंगी इयररिंग्स, वो भी आपको मैं दिखा दूंगी। एंड मैंने फेस पे भी काफी दिन से कुछ नहीं किया, तो मैं आज स्क्रब करूंगी, फेस मास्क करूंगी एंड सुंदर सी रेडी हो जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? और फिर हम लोग चलेंगे पहाड़ी में, पहाड़ी करेंगे। और हाँ, मेरा भी बर्थडे आया, तो अगर किसी ने विश नहीं किया ना तो फिर देख लो, मैनू ना विश करना, लाइक मैनू विशेस बहुत वधिया लगदिया ने, तो तुसी मैनू विश भी कर सकते हो। थैंक यू। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के विच। क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ पास्ता, रेड सॉस पास्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर है लाइक सिंपल तड़के की जैसे ही बना रही हूँ। एक्चुअली मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई है, तो बीच में शूट को रोकना पड़ा और मुझे लाइक यहाँ पे खाना बनाने आना पड़ा। पर मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, पास्ता बनाने के थोड़े लाइट चले गई है तो एग्जॉस्ट भी नहीं चल सकता। तो मैंने इसमें वैसे मैं रेड सॉस रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, मेयोनीज भी डाल दिया है, यहाँ पे मम्मी ने हरी चटनी बनाई थी, हरी चटनी भी डाल दिया है। और लेकिन देखो कितना सुंदर सा बन रहा है, देखो भी, बट टेस्ट करके पता नहीं कैसा होगा। पर मुझे अपने आप पे थोड़ा गर्व सा है कि शायद अच्छा ही बना लूंगी। तो एक एटीट्यूड कहते हैं ना, एटीट्यूड, वो मेरे में गंदा एटीट्यूड। कट। तो पहले मैं फेस वॉश करूंगी एंड आई एम यूजिंग दिस मास्क इन साइज ओपन फॉर्मिंग फेस वॉश। दिस फेस वॉश इज मेड फ्रॉम ट्रेडिशनल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स व्हिच हेल्प्स टू रिस्टोर योर स्किन प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो क्लींस योर फेस। एंड इट कंटेन्स एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक, सैफ्रन, आलमंड्स व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट फाइन लाइंस एंड रिमूव टैन। और इसके अंदर सैंडलवुड ऑयल है, रोज वाटर है, जो आपके स्किन को ग्लोइंग एंड हेल्दी बनाती है। इसके अंदर चिकपी फ्लोर भी यूज किया गया है, जो आपके डेड स्किन को रिमूव करेगा। तो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूंगी स्क्रब एंड देन फेस मास्क। तो आपको सबके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती रहूंगी। और हाँ, आफ्टर एवरी यूज ब्रश को धोना जरूरी है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, अब आगे चलो। तो अब मैं स्क्रब करूंगी एंड अगेन आई एम यूजिंग वाउ स्किन साइंस फेस एंड बॉडी स्क्रब। ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है
इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिस्टोर स्किन नेचुरल रेडियंस एंड सपलनेस. और जैसे जैसे हम फेस को स्क्रब करेंगे वैसे वैसे डेड स्किन एंड डीप सीटेड डर्ट एंड टैन रिमूव होती रहेगी. और इसके अंदर चिकपी फ्लोर, आमंड पाउडर, सैफ्रॉन एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट एंड सैंडलवुड ऑयल और रोज वाटर है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग ग्लोइंग बनाएंगे. तो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ. तो पहले इसको डब्बे को ओपन करते हैं, मजाक बाद में. पहले मैंने इतना ले लिया अभी मैंने वैसे इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करूंगी. और ये जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ इनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट जाके वहां से बाय कर सकते हो. तो हो गया है, अब मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ एक दो मिनट के बाद जस्ट रख के. तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी फेस मास्क. और देखो काफी मतलब कि इम्प्रूवमेंट सी लग रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है. सो आई एम यूजिंग दिस वाउ स्किन साइंस उपटन फेस एंड बॉडी पैक, ये देखो. तो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ. इसके साथ एक स्पैचुला भी आया है तो इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. बहुत आसानी से लग जाता है इसके साथ. Pack is also made from traditional natural ingredients, which is known for the skin toning and refining properties. This pack helps to draw out deep-seated grime and minimize them. It helps the skin get clear, refined look and smooth texture. So, इसे 15 मिनट तक ऐसे रखना है. और ये आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो. हाँ गाइज, इस बार आपको 20% ऑफ मिल सकता है कोई भी वाउ स्किन साइंस का प्रोडक्ट खरीदने में बाय यूजिंग माय कोड दैट इज सिमरन 20. मुझे इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है बिकॉज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं एंड मेड इन इंडिया है. तो जाइए जल्दी खरीदिए. अब मैं इसको 10-15 मिनट रख के फेस वॉश करूंगी एंड इसके बाद मैं लगाऊंगी सीरम. बहुत ज्यादा सच में अच्छी लग रही है मेरी स्किन मुझे. अब इसके बाद लास्ट स्टेप है ये वाला, लाइक मैं सीरम अप्लाई करूंगी एंड आई एम यूजिंग दिस वाउ स्किन साइंस उपटन फेस सीरम. और ये भी नेचुरल ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इतना लाइट है एंड आपकी स्किन पे इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है. एंड दिस फेस सीरम डिलीवर्स गुडनेस ऑफ सैफ्रन एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, स्वीट आलमंड ऑयल, रोज वाटर. तो इसके मैं 5-6 बूंदे ले लूंगी. सच में उपटन प्रोडक्ट्स की इतनी प्यारी खुशबू है. तो ऐसे अप्लाई करके एंड डब 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 करके ये थोड़ी एक मिनट के अंदर अंदर ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा. मेकअप के अंदर भी यूज कर सकते हैं एज अ बेस. तो इसके बाद मैंने मेकअप ही अप्लाई करना है. ये फेस सीरम आपकी स्किन की टैन को रिमूव करता है, इवन आउट कॉम्प्लेक्शन एंड आपकी स्किन को सॉफ्ट सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज रखता है एंड स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और जो डैमेज स्किन है उसको भी रिपेयर करता है. तो काफी अच्छा है एंड रेगुलर यूज में आप इसे यूज कर सकते हो. एंड वाउ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है और इसके अंदर नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल एडेड है. तो आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं एंड इन प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे QR कोड मिल जाएगा जिसे आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी एंड सेफ्टी का पता कर सकते हैं. तो अब हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है. फटाफट रेडी होते हैं, फटाफट जाते हैं पार्टी 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 करने. चलो ओके, तो अब मेकअप स्टार्ट करते हैं. वैसे मैं यहीं बैठ के मेकअप करने वाली हूँ, बस पीछे शीशा है. तो पीछे शीशा है पर मैं यहीं तब से बैठी हुई हूँ तो यहीं पे मैं तैयार होंगी. तो पहले मैं लगा रही हूँ बीबी क्रीम. क्या लगाया, बीबी क्रीम लगाई पर वो इतनी कुछ खास लगी नहीं है इसलिए अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी. अब पहले लाइनर. लाइनर एक आंख में अच्छा लग जाएगा, बाकी में देखते हैं कैसा लगेगा. हो गया बैलेंस, ठीक है, इतना ठीक है. इट्स ओके, फाइन 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 ओके, फाइन 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 फाइन. हाय इदा लगता पे जिवें मैं ना काला आई शेडो लाया हूं. हाय मैं आई शेडो लगाना भूल गई यार, ब्लाइनर लगा लिया. क्या करूं अब मैं इसका, करूं मैं मर जाऊं. सीरियसली मुझे ना लाइनर से ज्यादा मस्कारा पसंद है. लाइक थोड़ा सा काजल लगाओ और मस्कारा लगाओ, बहुत अच्छा लुक देता है. क्योंकि मैंने कभी नकली आई लैशेस लगाए भी नहीं है आर्टिफिशियल वाले,
एंड बेबी दी की जब शादी थी ना तो तब मैं लगाने लगी थी, लेकिन ना वो मतलब सूट ही नहीं बैठी, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आई। वो लगा रही थी बट ना फिर मैंने कहा कि नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी खुद वाली अच्छी है, इसमें भर भर के मस्कारा लगा दो। तो अब मैं लगाऊंगी ब्लशर, गुलाबी गाल जो मैंने देखी। चुप, बिल्कुल चुप। और हाँ, काफी लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि मेरा नाम कोमल है या फिर सिमरन है। एक्चुअली मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, लेकिन घर पे मुझे कोमल बुलाते हैं। जैसे नक्श का नाम नक्श था और उसको घर पे लल्ला डुगू मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। वैसे मेरा नाम सिमरनजीत कौर है तो घर पे मुझे कोमल बुलाते हैं। ठीक है, थोड़ा ठोड़ी पे लगा लेते हैं बॉबी। ये देखो, लिप्स पे पहले मैं लिप बाम लगाऊंगी। नहीं, मेरी आदत सी बन गई है, पहले मेरे को लिप बाम लगाना ही पसंद है। ड्रेस पहन के आती हूँ एंड आई नो बहुत अभी थोड़ा लाइक एब्जॉर्ब होगा एंड फिर ही अच्छा लगेगा। तो मैंने ये फ्रॉक पहनी है एंड मैं ड्रेस पहन के आती हूँ। तो अभी एकदम ठीक है एंड मम्मी ने फिट कर दिया है और मैंने इसके साथ ये ब्रेसलेट सा पहन लिया है जो चूड़ी चूड़ी वाला लाइक फील दे रहा है। तो मैंने पोनी ही कर ली है एंड पोनी मेरे पे ज्यादा सूट करते है खुले बालों से, तो पोनी बना के जाऊंगी। एंड यहाँ पे ब्रेड सी बनाई है जैसे मैं यूजुअली बनाती रहती हूँ। तो अब मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ। सो ओके, सो आई एम रेडी। एंड नेल्स पे ये गंदे लग रहे हैं तो मुझे ना आज बहुत भड़कीले भड़कीले कलर करने का मन कर रहा है, तो मैं ग्रीन और चमकीला रेड लगाने लगी हूँ। लाइक पता नहीं क्यों मेरा मन सा कर रहा है कि मैं अपने नेल्स को बहुत गंदा करूँ। मैं अब भड़कीले कलर करके आपको दिखाती हूँ। प्लीज इन चीजों को सीरियस मत लेना और अपने घर पे बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि ये सब मोहमाया वाली चीजें हैं। एंड देखो ठीक यार, अरे मेरी आंखें जुड़ गई। मैं इनके साथ ये सैंडल वेयर करने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। Thousand years later. Mask on. And I am gone. Hi everyone. क्या हो गया? Guys, मैं तो मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना और कोरोना इतना फैल रहा है कि ऐसे कुछ बाहर बाहर जाने का कोई सीन नहीं था। वो तो मैं इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपने आप को बूस्टअप करने के लिए कुछ कहानी सी बनाई अपने अंदर ही अंदर कि ताकि मेरे को मोटिवेशन आए और मैं उठूं और मैं तैयार हूं और मैं वीडियो बनाऊं। और अब ये लुक तो मैंने इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए किया है और तभी मैंने आपको पागल बना दिया, सॉरी। चुप, बिल्कुल चुप। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। वैसे स्कूटी निकलवाई मेरी, क्या यार आप लोग भी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? एंड हाँ, ऐसा कोई मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है गांव में और बेस्ट फ्रेंड तो दूर की बात है, बेस्ट फ्रेंड से तो बिछड़ गए इस कोरोना के चक्कर में। पर चलो कोई नहीं, अब जैसे कोरोना खत्म होगा हम सभी अपने दोस्त मिलेंगे। एंड ऐसा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बस ऐसे सोच लिया कि ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो बना लेती हूँ। एंड हाँ, आप भी बाहर निकलना बंद कीजिए, अगर कोई भी मतलब कि फालतू के उसमें कामों में बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए, इम्पोर्टेंट काम से ही जाइए बाहर। एंड अपना घर पर ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड लव यू गाइज। और ये नेल्स पेंट घर पे ट्राई मत करना बिल्कुल भी। बाय बाय।